हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th कक्षा 12 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। बच्चों, इस पाठ के सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो पाठ है उसके कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, उसके जो टॉपिक बचे हुए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना एवं उद्देश्य। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। और उद्देश्य क्या है इसके? आसियान देशों की सुरक्षा करना, आसियान देशों की विदेश नीति में तालमेल बनाए रखना। आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है? बच्चों, विजन क्या होता है? आसियान विजन यानी हम लक्ष्य बना लेते हैं, अपना गोल बना लेते हैं, तो इससे क्या अभिप्राय है? आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी। और उसने क्या अपने जो गोल बना लिया, क्या विजन बना लिया कि उसमें क्या होगा? बहुमुखी भूमिका होगी, यानी कि सभी क्षेत्रों में, उद्योग, व्यापार, इन क्षेत्रों में उसकी बहुमुखी भूमिका होगी, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रों में उसकी भूमिका होगी। तो आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान है उसकी बहुत सारे सभी क्षेत्रों में मतलब भूमिका होगी। टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से यह बात निकली है। और टकराव यानी कि झगड़ा या युद्ध करने की जगह बातचीत को बढ़ावा देने से, यानी समझाइश या बातचीत को बढ़ावा देने से, इससे की नीति से यह बात निकली है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया। आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला। भारत ने सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। भारत ने क्या किया? सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, की जो चीनी अर्थव्यवस्था है उसका उत्थान कैसे हुआ? चीन जितना आज विकसित हुआ है यह सब नई आर्थिक नीतियों के कारण, यानी कि जो चीन जितना विकसित देश हो चुका है, उसमें इतने सारे चीनी जो उत्पादन किए जा रहे हैं, उतना विकसित हो गया वो, या अब यह आर्थिक, जिसने नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई है उसका परिणाम है। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन ने बहुत तरक्की की। और है ना, 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई चीन ने, यानी कि ओपन डोर की, तो उससे चीन को बहुत फायदा हुआ है, बहुत तरक्की की है चीन ने, बहुत विकास किया है। मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति डेंग शियाओपिंग ने अपनाई थी। और जो मुक्त द्वार की नीति वो किसने अपनाई थी? डेंग शियाओपिंग ने अपनाई थी। चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन 2040 तक अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। और वो जिस प्रकार से वो तरक्की कर रहा है चीन का, जिस प्रकार से चीन का विकास हो रहा है, उस पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन अगर इसी रफ्तार से यह विकास करता रहा, इसी प्रकार से ये वृद्धि करता रहा, इसके जो उत्पाद वगैरह इसमें वृद्धि होती रही, इतना तरक्की करता रहा, तो 2040 के आते आते ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा या अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। इसी कारण चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। और इसी कारण क्या हो रहा है? चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। 1950 के दशक में चीन कैसा था? तो 1950 के दशक में चीन कैसा था? 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद यहाँ भी मुक्त द्वार का मॉडल अपनाया गया। चीन की अर्थव्यवस्था कैसे उभरी, संक्षेप में समझाओ। कि यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था है ये 50 60 या 70 साल पहले ऐसी ही थी, ये बाद में उभरी है, और अगर उभरी है तो इसे संक्षेप में यानी छोटे रूप में हमें समझाना है। चीन जितना आज विकसित हुआ है ये सब नई आर्थिक नीतियों के कारण है। और जो चीन है वो आज विकसित हुआ है, उसने क्या किया? उसने बदलाव किया, अपनी नीतियों को बदला है, और नई नीतियों के बदलने के कारण ही उसमें इसमें वृद्धि हुई है, इतनी ये विकसित हुआ है। तो ये आर्थिक नीतियों के कारण है, आर्थिक नीतियों को अपनाने का ही परिणाम है। 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाने के बाद चीन में बहुत तरक्की की। जब तक मतलब जब उसने मुक्त द्वार की नीति अपना ली 1978 में, तो उसके बाद उसने बहुत तरक्की की। मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति डेंग शियाओपिंग ने अपनाई थी। चीन की आर्थिक विकास की रफ्तार को देखते हुए अंदाजा लगा जा रहा है कि चीन 2040 तक निकल जाएगा, इसी कारण चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था 5 से 6% की दर से विकास कर रही है। और चीन की जो अर्थव्यवस्था की जो दर है वो कितने परसेंट से? 5 से 6% की दर से विकास कर रही है, यानी कि विकास करती जा रही है। लेकिन जनसंख्या 2 से 3% से बढ़ रही थी।
नुकसानदायक थी। तो क्या हुआ, चीन वृद्धि तो कर रहा है, विकास तो कर रहा है, व्यापार व्यापार में मुक्त द्वार की नीति सारा अपना तो रहा है, उसमें तरक्की भी हुई है, लेकिन क्या हुआ इसकी जो जनसंख्या है ना, चीन की जनसंख्या वो भी दो से तीन फीसदी से बढ़ रही है, जो कि नुकसानदायक है। मान लो देश में विकास हो रहा है लेकिन इसकी जनसंख्या अगर बढ़ती जा रही है ना तो नुकसानदायक भी है। तो क्या हुआ, चीन के लिए जो उसकी जनसंख्या है वो नुकसानदायक बनती जा रही है। 1970 के दशक में यहाँ बड़े नीतिगत फैसले लिए गए और 1910 में यहाँ पर क्या हुआ, बड़े नीतिगत फैसले लिए गए। 1972 में अमेरिका में संबंध सुधारे और 1972 में चीन ने क्या किया, जो चीन के और अमेरिका के जो संबंध थे उनको सुधारा, यानी कि जो व्यापार वगैरह थी, जो पश्चिमी देशों से व्यापार वगैरह थे उनको भी सुधारा है। 1973 में चाओ एंड लाई ने चार देशों में आधुनिकरण का प्रस्ताव किया और 1973 में चाओ एंड लाई ने क्या किया, चार देशों में आधुनिकरण का प्रस्ताव किया। पहला जो क्षेत्र है उसमें कौन से में किया, कृषि में किया, कृषि के लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि मशीनरी वगैरह का प्रयोग किया जाए, जैसे कि कटाई वगैरह होती है, जो सिंचाई वगैरह होती है उनके लिए आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया। उद्योग वगैरह को, जैसे उद्योगों का आधुनिकरण किया कि जिसमें पुरानी तकनीक से जो उद्योग चलाए जा रहे थे उनके लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। सेना में सेना को मतलब नई तकनीकों की सहायता से प्रशिक्षण किया गया, प्रशिक्षित किया गया उनको, नई तकनीक से प्रशिक्षित किया गया उनको, अच्छी प्रकार से ट्रेनिंग दी गई जिससे कि उसमें आधुनिकरण हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा दिया। 1978 में डेंग शियाओपिंग ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई और उसमें क्या हुआ, 1978 में डेंग शियाओपिंग ने क्या किया, मुक्त द्वार ओपन डोर की नीति अपनाई, यानी कि मुक्त व्यापार। उसके बाद से चीन तेजी से विकास करने लगा, चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। बच्चों शॉक थेरेपी क्या होती है, अगर कोई देश अपनी जैसे अपनी उसकी साम्यवादी विचारधारा है तो उसको छोड़कर पूंजीवादी विचारधारा को अपनाए तो उसे कहते हैं शॉक थेरेपी, को नहीं अपनाया तो चीन ने क्या किया, अपनी विचारधारा है जो उसको नहीं बदला, उसने क्या किया, अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला और उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको चरणबद्ध ढंग से उसमें बदलाव किए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उसने सबको बदलाव किया, जैसे खेती में कर दिया, फिर उद्योगों में करा, इस प्रकार से उसने बदलाव किए। 1982 में खेती का निजीकरण किया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ, WTO में भी चीन 2001 में शामिल हुआ। भारत और चीन के संबंधों पर चर्चा करें, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों हमने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई, यानी कि जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं और जो चीनी लोग हैं वो भाई भाई के समान हैं। चीन भारत का 1962 का युद्ध हुआ जिसे भारत हार गया, लेकिन चीन क्या है बच्चों, दोगुला है। इसने क्या किया कि 1962 में हमसे युद्ध किया जिसमें हम हार गए, यानी कि भारत उस युद्ध में हार गया। सीमा विवाद, चीन के और हमारे कई कई सीमा विवाद है, जैसे कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर में हमारे जो लद्दाख वाला हिस्सा है उस पर भी एक छोटे से हिस्से पे क्या कर रखा है, उसमें चीन ने उस पर आधिपत्य स्थापित कर रखा है। और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी ये बताता है कि ये हिस्से मेरे हैं या उन पर हक जमाने की कोशिश करता है, जबकि वो भारत देश के हैं। चीन ने तिब्बत को हड़प लिया, दलाई लामा ने भारत में शरण मांगी। जो दलाई लामा है वो वहाँ के धर्मगुरु, ये चीन के कौन थे, धर्मगुरु, ये चीन के धर्मगुरु थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, भारत में आए और भारत से शरण मांगी, लेकिन भारत ने इन्हें शरण दे दी। उससे क्या हुआ, चीन नाराज हुआ और चीन ने उससे कहा कि आप ये हमारे घरेलू मामलों में दखल नहीं दोगे। पंचशील का समझौता हुआ और उसके बाद में क्या हुआ, पंचशील समझौता क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को प्रभुसत्ता का सम्मान करना, यानी कि एक जो देश है, जो चीन या भारत है, एक दूसरे जो देश है उनकी दोनों ही देश अपनी क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करें, एक दूसरे पर आक्रमण ना करें और जो छोटे छोटे रीजंस की वजह से एक दूसरे पर आक्रमण यानी कि युद्ध ना करें, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना दें और एक दूसरे देश के जो आंतरिक जो मामले होते हैं उनमें एक दूसरा कोई भी देश दखल ना दे, यानी कि भारत चीन के किसी मामले में दखल ना दे और चीन भारत के मामले में दखल ना दे, समानता यानी कि समानता का व्यवहार किया जाए, उसे भी अपने समान ही समझा जाए, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व को बनाए रखे। भारत चीन संबंधों में सुधार, 1962 युद्ध के बाद लंबे समय तक संबंध समाप्त रहे, यानी कि जब 1962 में क्या हुआ, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत युद्ध हार गया, तो उसके बाद लंबे समय तक क्या हुआ,
उनके संबंध है वो समाप्त रहे, यानी कि उनके बीच युद्ध कर दिया था, हमें हानि हो गई, हम हार गए युद्ध, तो हमारे उनसे संबंध समाप्त रहे। 1970 के दशक में चीन में राजनीतिक नेतृत्व बदला, और चीन में क्या हुआ, राजनीतिक नेतृत्व बदला और चीन तथा भारत के संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए। तो 1970 के दशक में क्या हुआ, उनके संबंधों को सुधारने के प्रयास किए गए, यानी कि कोशिश की गई कि उनके संबंध अच्छे हो जाए। 1981 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए बर्ताव वार्ताएं शुरू की गई, और 1981 में क्या हुआ, सीमा विवाद सुलझाने के लिए वार्ताएं शुरू की गई, यानी कि जो सीमा विवाद जो चल रहे हैं उनके लिए बातचीत की गई, समझाइश की गई कि ये सुलझ जाए तो ठीक है। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया, और 1988 में क्या हुआ, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की या दौरा किया, संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया, मतलब बहुत कोशिश की गई कि चीन और भारत के संबंध सुधर जाए। 1999 से चीन से व्यापार 30% सालाना बढ़ गया, और 1999 से क्या हुआ, चीन का जो व्यापार है वो क्या कितना बढ़ गया, 30% तक सालाना बढ़ गया। दोनों विभेद वाले मुद्दों को बातचीत से सुलझाने को तैयार थे, और दोनों ही देश भारत और चीन विभेद वाले यानी कि जो झगड़े वाले जो मुद्दे थे ना उनको बातचीत से सुलझाने के लिए तैयार हो गए। बच्चों आज हमने पाठ पढ़ा, आज हमारा जो चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वो फिनिश हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।